आदाब नमस्कार दोस्तों, हिंदी वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं कराम। बेंगलोर से एक वीडियो हमारे सामने आया है जो कल रात से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को लगातार दिखा रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है कि कर्नाटक का पुलिस प्रशासन और वहां की सरकार कितनी मुस्तैद है कि वो तुरंत आरोपियों पर और जो क्रिमिनल है उन पर एकदम कार्रवाई करती है। वीडियो कुछ इस तरह से है। एक महिला जो मुस्लिम महिला है, हिजाब वगैरह पहना हुआ है, बुरखा लगाया हुआ है, उसके साथ एक और शख्स जो बाइक पर था वो आ रहे थे। अचानक उन्हें कुछ लोग रोकते हैं, उसके बाद उस महिला से कहते हैं कि तुम इस गैर मुस्लिम के साथ क्यों सफ़र कर रही हो, क्यों उसके साथ बाइक पर बैठी हो, क्यों ये तुम्हें छोड़ने जा रहा है। वो उसके साथ मारपीट करते हैं। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता हालात क्या चल रहे हैं, किस तरह के हालात हैं, बाद में तुम कुत्ते बिल्लियों की तरह बिहेव कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो। उसके बाद वो उस महिला से उस पति का नंबर लेते हैं, उसके पति को फ़ोन करते हैं और कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने पूरी कौम को बदनाम कर रखा है, इस तरह की चीज़ें, और उस शख्स के साथ मारपीट करते हैं जो कि दूसरे मजहब का था, यानी कि हिंदू कम्युनिटी से आता था। दो चार उसको लगाते हैं, वो हेलमेट नहीं उतारता, शुक्र है कि उसको किसी तरह की चोट नहीं आई। उसके बाद उसकी वीडियो भी बनाते हैं और उसको वायरल कर देते हैं। प्रशासन के हाथ वो वीडियो लगती है, मुख्यमंत्री वहाँ के खुद एक्शन लेने के लिए कहते हैं और दो लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। ये बहुत अच्छा हुआ और इस कदम की जितनी तारीफ की जाए कम है। पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, हम उसकी तारीफ करते हैं, और वहाँ के मुख्यमंत्री ने खुद एक्शन लिया एक वीडियो पर और ये दिखाने की कोशिश की हमारे यहाँ पर हालात बिल्कुल ठीक है, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होंगी जहाँ पर लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारे पीटे बदनाम करें। बहुत अच्छी बात है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इस चीज़ को कवर किया, हेडलाइंस लगाए इस्लामिक रेडिकल्स के नाम से कि ये लोग किस तरह के बीमार हैं, इनकी सोच किस तरह की बीमारी वाली है। और जो हुआ पुलिस ने उनके साथ किया बिल्कुल सही किया, उनको कोई हक नहीं। सुप्रीम कोर्ट संविधान हमें इस बात का हक देता है कि आप किसी की निजी ज़िंदगी में अगर वो बालेंगे दखल नहीं देंगे। दोनों जो महिला थी और वो पुरुष दोनों एक बैंक के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ थे, वो वहाँ से वापस आ रहे थे और वो जो उसके साथ में उसका साथी था बैंक कर्मचारी वो उसको उसके घर छोड़ने जा रहा था। ये पूरी कहानी बेंगलोर से हमारे सामने आई है। आप लोगों को लगा होगा कि बहुत अच्छा हुआ, बिल्कुल अच्छा हुआ, हम इसकी तारीफ कर रहे हैं। अब बात करते हैं दो दिन पहले एक और वीडियो जो हमारे सामने मेरठ से आई थी, उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर कुछ हिंदू जागरण मंच के लोगों ने एक मुस्लिम लड़का जिसका नाम सलमान था उसकी पिटाई कराई थी, उसकी उसी दोस्त से ज़बरदस्ती दबाव डालकर, वो मारना भी नहीं चाह रही थी, हाथ भी उठाना नहीं चाह रही थी, लेकिन दबाव में उसे उसकी पिटाई करनी पड़ी, उसके मुंह पर थप्पड़ मारने पड़े। वो दोनों दोस्त थे, एक गाँव से आते थे, दूसरी जगह गए थे, ऐसा नहीं कि उसी गाँव की घटना थी, दूसरी जगह कहीं घूमने गए थे, वहाँ बैठ कर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे थे, लेकिन उसके साथ मारपीट की उन्होंने और फिर ये दिखाने की कोशिश की कि हम जो हैं वो हिंदुओं के साथ हैं। वहाँ पर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ था, उल्टा उस युवक के साथ में एक छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई गई थी जो उसके माता पिता की तरफ से ही कराई गई थी किसी न किसी दबाव में आके। वहाँ पर किसी तरह की हमें कोई इस तरह की मुस्तैदी प्रशासन का रवैया उस तरह का दिखाई नहीं दिया। मैं कहता हूँ दोनों घटना बिल्कुल गलत थी, दोनों घटना में जो आरोपी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन एक तरफा क्यों? सवाल यहाँ पर यह है, अगर प्रशासन बेंगलोर का अच्छा कर सकता है तो उत्तर प्रदेश का क्यों नहीं कर सकता? जब हमारे सामने बार बार इस तरह की वीडियो आती हैं, और ये तो हमारे सामने एक आध वीडियो ऐसी आई है जिसमें मुस्लिम युवती थी और हिंदू युवक था जिसके साथ मारपीट की गई, लेकिन आमतौर पर आप लोगों के सामने इस तरह की वीडियो आती है जहाँ पर मुस्लिम लड़का होता है और उसके साथ जो कोई उसकी दोस्त बैठी होती है वो दूसरे मजहब के कारण होने के कारण उस बेचारे मुस्लिम लड़के को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, पिटाई भी होनी पड़ती है, कभी कभी उसे और भी ज़्यादा मोबलेंजिंग का भी सामना करना पड़ता है। तमाम आए दिन हर महीने कोई ना कोई ऐसी वीडियो आपके सामने आती है, लेकिन उन पर कितनी कार्रवाई होती है ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। कहने का मतलब सीधा यही है कि जब इस तरह की वीडियो सामने आए तो प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चाहे कोई भी हो सामने अपराधी, किसी भी धर्म का हो, उसे सज़ा मिलनी ज़रूर चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है इस पर नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।